हेलो दोस्तों, दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमें दिया है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, हमें इन सभी क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इन सभी क्वेश्चन में इसका मुख्य मानों को ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, मुख्य मान दोस्तों क्या होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। हमें इन सभी क्वेश्चन में इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया है, आप अपनी बुक में देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है साइन इनवर्स माइनस 1/2। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें ये दिया है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मानेंगे, तो लिखेंगे माना। सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, माना। ओके, हम इस क्वेश्चन को मानेंगे एक्स वाई जेड किसी के बराबर दोस्तों आप इसे मान सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे मानूंगा एक्स के बराबर, तो यहाँ पर माना एक्स बराबर हमारा क्वेश्चन जो भी उसको लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/2। ओके दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले साइन इनवर्स को इधर लेकर आइए एक्स की साइड। तो इधर आकर दोस्तों इधर आकर हो जाएगा साइन एक्स बराबर माइनस 1/2। ओके, इसके बाद दोस्तों हमें चेक करना है कि साइन में 1/2 वैल्यू किसका होता है। इसके बाद दोस्तों हमें चेक करना है कि साइन में 1/2 वैल्यू किसका होता है। तो जैसे हम चेक कर रहे हैं दोस्तों, साइन में 1/2 वैल्यू जो होता है दोस्तों, साइन 30 अंश का होता है। लेकिन 30 अंश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई बाय 6 बोल सकते हैं। पाई बाय 6 क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें जो हमें उसका आंसर लाना है प्रिंसिपल वैल्यू में लाना है। तो इसलिए साइन पाई बाय 6 लिखेंगे। यहाँ पर साइन एक्स रहेगा बराबर, यहाँ पर माइनस आता माइनस लगा दीजिए। अब साइन में 1/2 वैल्यू किसका था, साइन 30 अंश का था। 30 अंश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 6। इसके बाद इस वाले साइन से ये वाला साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स बराबर माइनस पाई बाई 6। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दोस्तों टू नंबर क्वेश्चन हमें दिया है कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टू नंबर क्वेश्चन हमें दिया है कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2। ओके दोस्तों, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का टू नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मानेंगे एक्स वाई जेड किसी के बराबर मान सकते हैं। तो मैं से दोस्तों सिंपली एक्स के बराबर मानता हूँ, तो लिखूंगा माना। इस क्वेश्चन को मानेंगे एक्स के बराबर, तो एक्स बराबर हमारा क्वेश्चन जो भी होगा उसको लिख लेंगे कोस इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 3/2। ओके, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वाले कोस इनवर्स को इधर लेकर आइए एक्स की साइड, और इधर होकर ये दोस्तों हो जाएगा कोस एक्स। तो यहाँ पे दोस्तों ये होगा कोस एक्स बराबर आगे क्या है, अंडर रूट 3/2। ओके, इसके बाद दोस्तों हमें इसमें चेक करना है कि कोस में अंडर रूट 3/2 वैल्यू किसका होता है। हमें इसमें यहाँ पे चेक करना है कि कोस में अंडर रूट 3/2 वैल्यू किसका होता है। तो जैसे दोस्तों हम चेक कर रहे हैं, कोस में अंडर रूट 3/2 वैल्यू जो होता है दोस्तों, कोस 30 अंश का होता है। लेकिन 30 अंश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई बाय 6 बोल सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं दोस्तों पाई बाय 6, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है प्रिंसिपल वैल्यू लाना है। तो इसलिए साइन कोश पाई बाय 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर कोश एक्स बराबर ये वैल्यू किसका दोस्तों, कोश 30 अंश का। 30 अंश को हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बाय 6। इसके बाद इस वाले कोश से ये वाला कोश यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स बराबर पाई बाय 6। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया है थ्री नंबर क्वेश्चन हमें दिया है कोशेक इनवर्स 2। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिखते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन हमें दिया है
कोशेक इनवर्स टू, कोशेक इनवर्स टू। ओके दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.1 का 3 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मानेंगे, तो लिखेंगे माना, हम इस क्वेश्चन को मानेंगे x के बराबर। तो x बराबर हमारा क्वेश्चन क्या है, कोशेक इनवर्स टू। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वाले कोशेक इनवर्स को इधर लेकर आए x की साइड, तो इधर आकर दोस्तों ये हो जाएगा कोशेक x, कोशेक x बराबर आगे क्या है टू। ओके, इसके बाद दोस्तों हमें इसमें चेक करना है कि कोशेक में टू किसका वैल्यू होता है, हमें इसमें दोस्तों देखना है कि कोशेक में टू किसका वैल्यू होता है। तो जैसे दोस्तों हम चेक कर रहे हैं, कोशेक में टू जो होता है दोस्तों, कोशेक 30 अंश का होता है, लेकिन 30 अंश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5/6 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कोशेक एक्स ही रहेगा, कोशेक एक्स बराबर ये वैल्यू किसका है, कोशेक 30 अंश को हम क्या बोलेंगे, 5/6। इसके बाद इस वाले कोशेक से ये वाला कोशेक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स बराबर 5/6 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें दिया है फोर नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। ओके दोस्तों, ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फोर नंबर क्वेश्चन से हमें ये दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम मानेंगे, तो लिखेंगे माना, माना हम इस क्वेश्चन को मानेंगे x के बराबर। तो x बराबर हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। ओके दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले tan इनवर्स को इधर लेकर आएंगे x की साइड, तो इधर अगर ये दोस्तों हो जाएगा tan x, tan x बराबर आगे क्या है माइनस रूट थ्री। ओके, इसके बाद हमें दोस्तों इसमें चेक करना है कि tan में रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, हमें इसमें चेक करना है कि tan में रूट थ्री किसका वैल्यू होता है। तो जैसे हम चेक कर रहे हैं, tan में रूट थ्री जो होता है दोस्तों, tan 60 अंश का होता है, लेकिन 60 अंश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो पाई बाई थ्री बोल सकते हैं। पाई बाई थ्री क्यों बोल रहे दोस्तों, क्योंकि हमें इसका जो आंसर लाना है प्रिंसिपल वैल्यू में लाना है, तो इसलिए tan पाई बाई थ्री। तो यहाँ पर tan x रहेगा ये बराबर, यहाँ पर माइनस आते हैं, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, रूट थ्री किसका वैल्यू है दोस्तों tan में, tan 60 अंश, लेकिन 60 अंश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई बाई थ्री। ओके, इसके बाद इस वाले tan से ये वाला tan यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर बचेगा x बराबर माइनस पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पार्ट टू देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पार्ट टू देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।